जब हम कराची में रहते थे तो 14 बरस वहाँ बाबा ने हमको सिर्फ तपस्या करने के लिए वहाँ रहाया था, क्योंकि जब तक हम अपनी ऊंची जीवन न बनाएंगे तब तक दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। इसलिए 14 बरस हमको योग वगैरह सिखा करके बाबा ने प्रवीण बना दिया। और उसके बाद जब हम भारत में आए, उस बीच में पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो भारत में आने से ही हम माउंट अबू में रहने शुरू किया, क्योंकि यह स्थान अच्छा लगा बाबा को। तो यहाँ पहले हम ब्रज कोठी में, जो भरतपुर महाराजा की कोठी थी, उसमें आकर के रहने लगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर कराची से बहुत भिन्न था, और यहाँ का खाना पीना, रहना सहना, जो हम कराची में रहते थे उससे बहुत भिन्न था। इस कारण से जब हम यहाँ आए तो आने से ही कई बहनों भाइयों की तबीयत ठीक नहीं रही, तो इसलिए हमको यहाँ इतना मेडिकल हेल्प नहीं मिला। तो मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था, वहाँ मैं रह करके डॉक्टरों के कांटेक्ट करके फिर जो बीमार बहने भाई होते थे उनको मैं वहाँ मंगाता था और वहाँ पर उनकी दवाई दरमल करता था। शुरुआत से ही ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारे यज्ञ में आई, लेकिन बाबा ने हमको समझा दिया था तो बच्चे ही ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है ना, तो इसमें बहुत ऊंच पद पाने का है। तो जहाँ ऊंच पद होता है, ऊंच इम्तिहान पास करना होता है, वहाँ बीच बीच में बहुत रुकावटें आती है, तो उसका फिक्र नहीं करना, ये रुकावटें आएगी। तो हमको तो ईश्वरीय ज्ञान मिल गया था, इसलिए हमको ये रुकावटें, जैसे कि एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस,